जनपद में ठंड से निपटने के लिए तैयारी पूरी है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि लोगों को ठंड से बचाने के लिए 40,000 से ज्यादा का कंबल वितरण किया गया है तथा सभी रैन बसेरों में यात्रियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई है तथा जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से शहर में नगर निगम व जिला प्रशासन की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ठंड से किसी तरह की समस्या ना होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिकों तथा जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, ठंडी है ना? दूध गर्म कर रहे हैं लग रहा है। कुमार सिंह, कल से ठंड बढ़ गई है, कितनी समस्याओं का आपको? समस्याओं का तो बहुत ही एकदम अपार टूट गया है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और काफ़ी गलन भी है और भारी बारिश की वजह से ही लग रहा है गलन है और ज़्यादा ठंडा है। इसे देखिए, हम लोग अलाव का सहारा लेकर हुए बैठे हुए हैं। यहाँ पे किसी काम से आए आप? नहीं, हम नगर निगम में जॉब करते हैं। रास्ते में आने में तरह समस्या? हाँ, हम 30-40 किलोमीटर दूर से आते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है, बाइक से चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। राम सेवक पड़ रहा है 3-4 दिन से जो है, जिससे समस्याओं का सामना करना पड़ा आने जाने में। अरे, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आप आते हैं? अरे, हम तो यहीं चरगावा से आते हैं। रास्ते में समस्या होती है आने में? अरे, ठंडक में समस्या है, ये है। रवि प्रताप सिंह, देखा जाए तो ठंड बढ़ गई है 3 दिन से, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्याएं तो बहुत है, जो ज़्यादा दूर से लोग आ रहे हैं उनको ठंड ज़्यादा पड़ी रही है। बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? बचने के लिए स्वेटर वगैरह जैकेट पहन करके हम लोग निकल रहे हैं, जब जरूरत ना हो तब नहीं निकल रहे हैं। देख रहे हैं अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है। हाँ, कितना समस्या हो रहा है आने जाने में? नहीं, समस्या तो बहुत है, ठंडी है तो समस्या तो होंगी, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो निकलना ही पड़ेगा। कमलेश चंद कह रहा जी, कितना समस्या हो रहा है? बहुत समस्या हो रहा है ठंड से। बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बस एक गर्म कपड़ा पहन करके निकल रहे हैं जरूरी काम से, और कहीं आग मिल रहा है तो बैठ के सिकाई कर रहे हैं। मणिकांत दूसरा, 3 दिन से कितना समस्या हो रहा है? बहुत समस्याओं का सामना कर पड़ रहा है, आग से आग ही एक सहारा है जो ठंड से दूर निजात दिला रहा है। बचाव के लिए क्या क्या किया जा रहा है? वही आग और गर्म कपड़े जो है पहन रहे हैं लोग, आग सेक रहे हैं। सुबह आग जयसवाल, ठंड बढ़ गई है महानगर में, कितना समस्या हो रहा है आने जाने में? बहुत दिक्कत हो रही है, क्या किया जाए, जहाँ आग मिल रहा है वहाँ हम लोग खड़े हो जा रहे हैं। बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? बचाव के लिए यही है, स्वेटर है, आग है, यही सब है। कहाँ से आप आए हैं? यहाँ पे आए हैं पादरी बाजार से। कितनी आई? डिलीवरी हुई है मरीज को। मेरा उमेश कुमार गुप्ता है, पादरी बाजार से। कितना समस्या हो रहा आने जाने में? बहुत दिक्कत हो रहा सर, आज मरीज लेके आया है सुबह समय लिए, बहुत ठंड ज़्यादा है। बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? बचाव के लिए यही सर आए हैं, तभी थोड़ा सा यही आगे मिला है, थोड़ा सेक रहे हैं, हाथ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। अभिमन्यु विश्वकर्मा, बहुत बहुत समस्या है, बहुत ठंड है। बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? कितना सहारा? बचने के लिए अपना जो है जर्सी वगैरह मास्क पहनते हैं अपने, बच्चे दस्ताना भी लगा लेते हैं, जिसके पास नहीं है नहीं लगाता पहनता। देखा जाए अधिकतर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हाँ तो, हाँ तो किस लिए आई हैं? बच्चा हो पोतो, बहुत कुछ बच्चा भय है। आग कौन जलाया है? हम लोग भगल ही नहीं तो ना, लोग जर बोले हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हम नन कुछ हुई बाबू किसी
कक्कड़। अरे बहुत ठंड बढ़ गई है, बहुत समस्या हो रही है। एक तो सीनियर सिटीजन वालों के लिए और परेशानी है, और बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा। हाथ जल रहा तो जल रहा। जावेद अहमद, बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा सर। सबसे ज़्यादा तो काम करने में समस्या हो रही है, काम धाम एकदम ठप हो गया है। जैसे हमारे घोष कंपनी चौराहे पे व्यवस्था है, इस चौराहे पे लोग लकड़ियाँ जल रही है, जलाते हैं और उसका गर्मी ले रहे हैं। बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? बचने के लिए इसी का सहारा लिया जा रहा है, अलाव का। हाँ, जैसे पूर्व में ही व्यवस्था की गई थी, यहाँ जनपद में 40,000 से ज़्यादा कंबल वितरण किए गए हैं, और साथ में ही अभी सभी रैन बसेरों में अवस्थापनाएँ संतुलित की गई हैं। यहाँ पे अलाव लगातार जलाया जा रहा है और कड़ी निगरानी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के माध्यम से, ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से, और शहरी क्षेत्र में नगर निगम और अन्य जिला प्रशासन की इकाइयों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति जिसको राहत की या राहत की ज़रूरत पड़ती है तत्काल प्रभाव से उसको उपलब्ध कराया जाएगा।